और फोटो दिखना चाहिए, ठीक है। बिहार में तेजस्वी यादव खेला करते करते चूक गए, लेकिन खेला चूक जाने के बाद में उन्होंने क्या किया है, एक नया रणनीति तैयार किया है। जैसे ही खेला में चूके उसके बाद लोग लिखना शुरू कर दिए कि अब तेजस्वी यादव को सड़कों पर उतर जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए। और ये बात तेजस्वी यादव सुन लिए और उनके जो स्ट्रेटजी बनाने वाले संजय यादव हैं उन्होंने सुन लिया, और उसके बाद से तेजस्वी यादव अब बिहार के कोना कोना में जाने वाले हैं। क्या यात्रा का नाम दिए हैं, जैसे प्रशांत किशोर निकले हैं तो वो अपने यात्रा का नाम रखें पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का नाम रख लिए हैं राहुल गांधी, तो तेजस्वी यादव भी एक यात्रा में लगे हुए हैं और उस यात्रा का नाम रखें तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा। तेजस्वी यादव अब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, आपके भी शहर में जाने वाले हैं तेजस्वी यादव। हम सब कुछ बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेजस्वी यादव 20 फरवरी को, इसी 20 फरवरी से तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। 10:30 बजे मुजफ्फरपुर में रहेंगे सकरी मोड़ पर, उसके बाद में 1 बजे रहेंगे सीतामढ़ी डुमरा हवाई अड्डा के पास, और उसके बाद 3 बजे रहेंगे शिवहर के किसान मैदान शिवहर में। ये हो गया उनका 20 फरवरी का। और उसके बाद 21 फरवरी को कहाँ रहेंगे, मतलब कि ये पटना छोड़ करके जाएंगे तो पटना रिटर्न नहीं आने वाले हैं, ये उधर ही रहेंगे, और वो भी कौन गाड़ी से, जब 2020 के विधानसभा के चुनाव में जिस गाड़ी से वो घूम रहे थे, जिस पर लिखा था बेरोजगारी हटाओ, उसी गाड़ी से घूमेंगे, जो बस है, जो प्रतिरोध मार्च में जो बस चल रहा था उसी बस से ये पूरा बिहार का कोना कोना घूमने वाले हैं। 20 का हम आपको बता दिए, 21 फरवरी को कहाँ रहने वाले हैं, 21 फरवरी को मोतिहारी में रहेंगे तेजस्वी यादव। 21 फरवरी को मोतिहारी में रहेंगे, 10:30 बजे वहाँ से उनका बस स्टार्ट होगा, और 1 बजे बेतिया पहुँचेंगे, माफ़ी चाहेंगे 10:30 बजे मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब मैदान छतौनी में संबोधित करेंगे, उसके बाद 1 बजे बेतिया में साहूजन हाई स्कूल लौरिया में जा करके ये वहाँ पे भाषण देंगे, और उसके बाद में 3 बजे ये पहुँचेंगे गोपालगंज में। ये 21 तारीख का उनका रणनीति हो गया। उसके बाद आपको रात्रि में विश्राम करेंगे, वो कहाँ पर, सिवान में, रात्रि विश्राम परिसदन सिवान में। और उसके बाद में 22 तारीख का बात कीजिएगा, तो 22 तारीख को 10:30 बजे सिवान में रहेंगे, और सिवान में वो स्थान कोई तय नहीं हो पाया है कि कहाँ वो सारा व्यवस्था है, लेकिन सिवान में वो रात में रहेंगे। उसके बाद में 1 बजे वो छपरा रहेंगे, और 3 बजे आरा पहुँच जाएंगे, इस तरीके से उनका रोड मैप है। और उसके बाद में 23 फरवरी की बात कीजिएगा, तो वो बक्सर रहेंगे 23 फरवरी को, और फिर रोहतास, फिर औरंगाबाद, मतलब कि 1 बजे 3 बजे 10 बजे 1 बजे 3 बजे का सारा शेड्यूल है। और उसके बाद में एक 24 तारीख का जो कार्यक्रम है वो नवादा में है, गया में है, नालंदा में है, जहानाबाद में है। तो इस तरीके से वो पूरा रणनीति तैयार किए हैं, अब जहाँ भी जाएंगे तो उनके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मोतिहारी पहुँच जाएंगे तो मोतिहारी में जो भी जिला अध्यक्ष होंगे और उसके साथ साथ जितने भी लोग होंगे ये सभी कोई उनके साथ रहेंगे, और तमाम गाड़ियों का काफिला रहेगा, वो अपने बस पर ऊपर हाथ हिलाते हुए पहुँचेंगे और अपने जगह पर जाएंगे, वहाँ भाषण देंगे और लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। ये जो नौकरी दिया गया है, जैसे पीछे में आपको दिख रहा होगा ये राम वृक्ष सदा का आवास है, यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, नौकरी मतलब तेजस्वी, भविष्य मतलब तेजस्वी, सकारात्मक राजनीति मतलब तेजस्वी, नौकरी रोजगार विकास निवेश को मुद्दा बनाने के लिए धन्यवाद तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल। तो ये एक इन लोगों का एक एजेंडा है जिस पर ये लोग अब काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।